देवेंद्र पंडित का पार्थिव शरीर पहुंचने पर पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और देवेंद्र पंडित अमर रहे के नारों के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान शहीद का एक झलक पाने के लिए यहां के लोग बेकरार दिखे। सबको इंतजार था कि पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दे सके, नमन कर सके और पूरे इलाके में नारा दिया जा रहा था, शहीद अमर रहें। मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के तभी तमाम जितने परिजन हैं उनको इस मुश्किल घड़ी में भगवान हिम्मत दे। पूरा समाज, पूरा राज्य, पूरा देश उनके साथ है और इस तरह की कायरता पूर्वक घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुख्य राह से भटके हुए लोग जो मुद्दा को लेकर के लड़ते हैं वो हम उसको सही मानते हैं, लेकिन इस तरह का कायरतापूर्वक घटना को जो अंजाम देते हैं उसे हम किसी भी तरीके से सही नहीं मानेंगे और सरकार का भी कसूर बिल्कुल कहीं तरीके से कमजोर नहीं रहे। तो चक्रधरपुर के लांजी में आईडी ब्लास्ट में हमारे 3 जवान शहीद हुए और अब उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो शुरू की जा रही है।